निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? ऑप्शन है अमोनिया, बी ओजोन, सी वायु और डी पार। इसका उत्तर है अमोनिया। निम्न में कौन जल में अभिलेय है? ऑप्शन है एथाइन, बी ग्लूकोज, सी एथोनाइक अम्ल, डी अन्य। इसका उत्तर है एथाइन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? ऑप्शन है अपरूप, बी समस्थानिक, सी बहुलक और डी समयावी। इसका उत्तर है अपरूप। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें इथेनॉल बना है। ऑप्शन है मीथेन, बी ब्यूटेन, सी इथेन और डी बेंजीन। इसका उत्तर है इथेन। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोक, बी आइसोप्रिन, सी ग्रेफाइट और डी चारकोल। इसका उत्तर है ग्रेफाइट। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोप्रिन, बी प्रोपीन, सी एथिलीन और डी एसिटिलीन। इसका उत्तर है आइसोप्रिन। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है हीरा, बी चारकोल, सी ग्रेफाइट और डी मीथेन। इसका उत्तर है ग्रेफाइट। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है यौगिक, बी मिश्रण, सी द्रव और डी तत्व HO। इसका उत्तर है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा में विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए यौगिक, बी मिश्रण, सी द्रव और डी तत्व। इसका उत्तर है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन ए द्रव, बी ठोस, सी मिश्रण, डी गैस। इसका उत्तर है मिश्र।